ऐसा लग रहा है मैं वो बारबी की मेकअप किट खोल रही हूँ, और ये लग भी ऐसी रही है, ये प्लास्टिक ही नहीं लग रही। माय गॉड, ये लिटरली ऐसे स्टेशनरी का आइटम ही लग रहा है, जो हम बचपन में ग्लिटर लाते थे ना, ये बिल्कुल वैसी वाली ग्लिटर लग रही है। एक्ने स्किन के लिए टिश्यू पेपर कैसे बनते हैं, मतलब ये तो काफी यूनिक चीज हो गई। कशिका, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यूर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर। फाइनली आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो। ये बैग पूरा ऐसे ही रखा है जब से हम थाईलैंड से वापस आए हैं, एंड इट्स बीन अ मंथ आई गेस, इतना डिले हुआ ना। मैं अब बैठती हूँ, फिल्म कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन को यूज करना है रियल लाइफ में, मैंने संभाल के रखा है कि नहीं पहले वीडियो फिल्म करूंगी फिर लूंगी। सो मैंने थाईलैंड के 7-11 से लास्ट डे में काफी क्रेजी आइटम परचेज किए हैं। लास्ट डे रात को 2 बजे मैं अमन को लेके गई कि मुझे 7-11 जाना है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट डू अ वीडियो ऑन 7-11 मेकअप। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं ना कि मन करता है यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको एक रिव्यू भी मिल जाएगा कि पिकअप करना चाहिए या फिर नहीं पिकअप करना चाहिए। सो जस्ट इन केस यू आर क्लूलेस अबाउट व्हाट इज 7-11, तो मैं आपको बता देती हूँ। 7-11 इज मोस्टली लाइक 24/7 इंडिया का, लेकिन वहां पर बहुत वैरायटी है। एक तो वो हमेशा खुला होता है, वहां पर आपको मिलेंगे स्नैक्स, कैफे, खाने पीने की चीजें, बेकरी के आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिकल के प्रोडक्ट्स, एंड यू गेट अल्कोहल एज वेल। मतलब आपको हर चीज वहां पे मिलेगी, और लिटरली हर दूसरी तीसरी शॉप वहां पे 7-11 ही है। तो डोंट वरी, आप थाईलैंड में कोई भी कॉर्नर में जाओ आपको हर जगह ये 7-11 मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है, आपका मन है वो खरीदने का, सो डेफिनेटली आप फ्यूचर में अपनी थाईलैंड ट्रिप से वो ले सकते हो, एंड आई माइट ऑल्सो रीपर्चेज इन फ्यूचर। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स ट्राई एंड सी इफ दिस आर वर्थ बाइंग और नॉट। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट। मेरा मन था आते इसको खोल लूं, बट देन आई वाज लाइक नहीं कशिका, वीडियो में ही अनबॉक्सिंग करना और रिव्यू करना है। सो देयर यू गो, आई कैन फाइनली ओपन इट। दिस इज अ ग्लिटर आईलाइनर, एंड लुक एट द पैकेजिंग, कितनी फंकी एंड क्यूट इसकी पैकेजिंग है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉस्लक्स। ये जो कॉस्लक्स ब्रांड है ना, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये काफी जगह है थाईलैंड में। मैंने एक दो चीजें मॉल से ही परचेज करी है, वो भी मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको दिखा दूंगी। दिस इज अ विंकी ब्लिंकी लिक्विड स्पार्कलिंग ग्लिटर आईलाइनर। माय गॉड, ये लिटरली ऐसे स्टेशनरी का आइटम ही लग रहा है, जो हम बचपन में ग्लिटर लाते थे ना, ये बिल्कुल वैसी वाली ग्लिटर लग रही है। आई लव द ब्रश टिप, द ब्रश टिप इज वेरी फाइन, बट इट्स मोर लाइक लिक्विड आई शैडो, जैसे मार्स की आती है ना, ये बिल्कुल आप उसका थाईलैंड वाला ड्यूब बोल सकते हो, बिल्कुल ये वैसी अप्लाई हो रही है। एंड सिंस ये काफी थिन है ना, तो छोटी आईलेट्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज जैसे मेरी आईलेट छोटी है, तो वो जो बड़ा वाला मार्स का डोफोट एप्लीकेटर आता है ना, उससे काफी बार अनॉइंग हो जाता है, बट आई थिंक इससे मैं काफी इजिली लगा सकती हूँ। शैडो भी आप यूज कर सकते हो, लाइक मुझे कोई वेडिंग मेकअप लुक क्रिएट करनी हो ना, तो मैं इसको पूरी आईलेट पे भी लगा सकती हूँ। ये ना थोड़े मेरे स्किन टोन में भी मर्ज हो गया, तो इतना पता नहीं चल रहा। अगर मैं कोई डार्क कलर की आई शेडो बेस पे लगाऊंगी ना, उसके ऊपर ये लाइनर अप्लाई करूंगी, तो आई थिंक ये थोड़ा शो अप भी होगा, बट फिलहाल ये काफी अच्छा लग रहा है, इट लुक्स नाइस फंकी। स्वेटिंग लाइक क्रेजी, और ये दोनों प्रोडक्ट्स एकदम परफेक्ट है अभी टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले मेरे पास ये ऑयल कंट्रोल पेपर, ये इंडिया में भी मिलते हैं, मिस क्लेयर के आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, मुझे वहाँ पे अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो मैंने पिकअप कर लिए। दिस इज ब्यूटी क्विक्स ओरिजिनल 100% प्योर लिनन ऑयल रिमूवर पेपर, इसके अंदर 50 पेपर आते हैं। लव द पैकेजिंग, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग काफी क्यूट है, ठीक है। अच्छा अंदर है, मैं वही सोचू इतना मोटा पेपर क्यों है। सो द शीट्स आर इनसाइड, ये आगे और पीछे वाला आई थिंक कवर है। इट्स वेरी डेलिकेट, इंडिया में जो मिलती है ना वो काफी पेपर प्लास्टिक की सी फील होती है, बट ये लिनन की बनी हुई है, सो ये काफी डिफरेंट फील हो रही है। लेट्स ट्राई इट आउट, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। इट डेफिनेटली वर्क रियली वेल, मेरा पूरा फेस है जो ऑयल और स्वेट था वो निकल गया है, हल्का फुल्का फाउंडेशन भी निकला इस पर, बट ऑयल इसने काफी अच्छे से एब्जॉर्ब किया, यू कैन सी द डिफरेंस। ये नॉर्मल पेपर है बिफोर यूजिंग, एंड आफ्टर यूजिंग आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। सो या दिस वन डेफिनेटली वर्क। लेट्स ट्राई द कॉम्पैक्ट नाउ, आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वन। इसमें कोई शेड कार्ड नहीं था वहां पर, सो मैंने ऐसी रैंडमली पिक कर दिया, और इसके साथ कुछ फ्री भी है, आई थिंक ये लिप बाम है, सो उसको जरा ओपन करके देखते हैं। ओके, दिस इज द शेड 01, ये है जेंडोरी यूवी ऑयल फ्री फाउंडेशन। है फाउंडेशन, ओ माई गॉड, ओ मुझे लगा ये कॉम्पैक्ट है, मैं फाउंडेशन लेके आ गई। रात के 1 बजे अगर शॉपिंग करो ना तो ऐसे ही होता है, मैं कॉम्पैक्ट सोच रही थी और ये फाउंडेशन उठा लाई। आई लाइक द पैकेजिंग, नाइस, दिस इज ऑयल फ्री फाउंडेशन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वी हैव अ मिरर एज वेल, और जैसे इसको नीचे करेंगे, एंड देन वी हैव अ प्रॉपर स्पंज, काफी पतला पतला स्पंज है। या इट्स अ कॉम्पैक्ट, इट्स नॉट अ फाउंडेशन, ये तो पूरा पाउडरी है, सी इट्स लाइक अ प्रॉपर पाउडर, तो इन्होंने फाउंडेशन क्यों बोला है, मे बी थाई लोगों को कॉम्पैक्ट फाउंडेशन लगता हो, बट चलो ठीक है, जरा स्वॉच करके देखते हैं। द शेड इज नॉट बैड, काइंड ऑफ मैच हो जाएगा मुझे, सो या थोड़ा ज्यादा लगा दिया, चलो कोई नहीं, इट्स ब्लेंड इट आउट एंड सी। ओह नाइस, इट्स नॉट दैट केकी, काफी अच्छे से स्किन में ब्लेंड भी हो गया, और जो भी मेरा
स्वेट या वो था ना, केकी केकी हुआ हुआ था पहले फाउंडेशन, वो काफ़ी अच्छे से स्मूद आउट हो गया. सो यू कैन सी द डिफरेंस. वैसे तो मैंने वो ऑयल कंट्रोल टिश्यू से सारा ऑयल हटा ही दिया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो शाइन थी फेस पे आप देख सकते हो, ये एक शाइनी साइड है एंड दिस साइड इज कम्प्लीटली मैटिफाइड. सो या, और इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है, है हल्की हल्की फ्रेगरेंस है बट इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. वो नकली कॉम्पैक्ट वाली आती है ना, वो नहीं है. सो डेफिनेटली द क्वालिटी इज वेरी नाइस. लेट्स ट्राई दिस प्रोडक्ट जो इसके साथ फ्री आया है. ये है क्या, इसके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं था. दिस इज सूदिंग लिप केयर. ओ आई वॉज राइट, इसकी शेप थोड़ी सी लिप बाम जैसी थी. ऐसे छोटू सा लिप बाम आया है इसके साथ फ्री. सो जरा इसको भी खोल के देखते हैं. आई लव द कलर टू. ऐसा लग रहा है मैं बारबी की मेकअप किट खोल रही हूँ. और ये लग भी ऐसी रही है, ये प्लास्टिक ही नहीं लग रही, ये वो बारबी डॉल की गिफ्ट सेट वाली लिपस्टिक मुझे लग रही है. बट या लेट्स ट्राई इट आउट. और ये काफ़ी हार्श है, इट्स नॉट दैट गुड. ऐसे पिंक कलर है इसका. आई डोंट थिंक सो ये पिंक कलर आने वाला है बिकॉज इट्स मोर लाइक अ लिप बाम. कोई कलर नहीं आ रहा, खाली नरिशमेंट के लिए. सर ट्राई करते हैं. खुशबू नहीं है, इट्स मोर लाइक अ लिप बटर, दैट्स इट. या और अपना इसका कोई कलर पे ऑफ नहीं है, विच इज नाइस. लाइक यूज करके भी आप देख सकते हो मेरी लिपस्टिक कोई ट्रांसफर नहीं हुई इस पे. ऐसे ही लिप बाम अपने बैग्स में रखना प्रेफर करती हूँ जिनका अपना कोई कलर नहीं आता, बिकॉज एग्जिस्टिंग लिपस्टिक के ऊपर अगर लिप बाम भी अपना कलर दे देता है ना, तो लिपस्टिक का शेड बिल्कुल खराब हो जाता है. सो या दिस इज नाइस. Yeah, it's quite nourishing. Not bad. ये मुझे free मिला, by the way, compact के साथ पूरा set आया था, which is good. Next up, we have something from Nivea. ये है Nivea की SPF, but it is a primer SPF. Yes, ये अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है. ये है Nivea का सन SPF 50 with PA triple plus and it is in the variant primer sun care. This is how it looks like. तो ये primer का भी काम करेगा और SPF का भी काम करेगा. And the best part is, इसमें कोई भी octinoset नहीं है, कोई भी oxybenzone नहीं है. ये दोनों जो होते हैं ये chemical filters होते हैं जो काफी लोगों को suit नहीं करते. Like if you have hormonal issues, प्रेग्नेंट हो आप, फीडिंग पर हो, तो आपको ये दो केमिकल फिल्टर वाली सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए. सो वो दोनों ही इसमें नहीं है, विच इज गुड. ये मैं प्रॉपर एक शॉर्ट्स फॉर्म पे रिव्यू करूंगी आपके लिए, बिकॉज अभी मैंने प्रॉपर ऐसे मेकअप किया हुआ है तो सनस्क्रीन का एप्लीकेशन तो पता नहीं चलेगा. बट दिस इज इट लुक्स लाइक. इसमें काफी सारे वेरियंट है वहां पर, अलग तरह के इनके सन के वेरियंट आते हैं. तो मैंने ये प्राइमर वाला पिक किया है एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ये कहता है डबल यूवी प्रोटेक्शन ऑरा बूस्टर. इसमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन के एक्ने मार्क्स को भी लाइटन अप करते हैं और ये प्राइमर वाली फील देता है. सो Yeah, I'll definitely test it on shorts. अगर वो वीडियो लाइव होगी होगी तो मैं यहाँ के मेंशन कर दूंगी. अदरवाइज यू कैन चेक आउट माई शॉर्ट सेक्शन फॉर द प्रॉपर रिव्यू ऑफ दिस वन. लेट्स ओपन द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस. इज एन आई शेडो. ये है आई शेडो फ्रॉम द ब्रांड बेबी ब्राइट ग्लोई पीच आई पैलेट. एंड बाकी सब थाई लैंग्वेज में लिखा है तो मुझे नहीं पता ये कुछ इस तरह से दिखती है. सो लेट्स क्विकली ओपन इट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स लाइक द मोस्ट बेसिक आई शेडो. और इससे आप कोई भी इंडियन वेस्टर्न लुक कर सकते हो, बिकॉज ये वाला जो कलर्स होते हैं ये हर एक आउटफिट के साथ जाते हैं. मेरे पास हुडा ब्यूटी का एक पैलेट है, मैं लिटरली वही यूज करती हूँ अपनी सारी इंडियन लुक्स के लिए. और उसमें सिमिलर कलर टोन है, बिकॉज ये वाले जो वॉर्मिश कलर होते हैं ना, ये इंडियन लुक्स पे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. सो यार लेट्स स्वॉच इट आउट. ये है मैट शेड, देन वी हैव अनदर मैट शेड, देन वी हैव अ शिमर शेड, एक और शिमर शेड है. सो जरा चारों को स्वॉच करके देखते हैं. ओवर पिगमेंटेड तो नहीं लग रहा, बट आई थिंक इट्स डिसेंट. या इट्स नॉट दैट वेरी पिगमेंटेड विच इज गुड, बट काफी डिसेंट है. शिमर भी इसके काफी अच्छे हैं. इट्स नॉट दैट चंकी, और वो जैसे लोकल आई शेडो पैलेट वाले आते हैं ना, ऐसे चंकी शिमर आते हैं. इट इज वेरी फाइनली मिल्ड. लाइक कैन यू सी कितना फाइन है. कोई भी आपको ज्यादा लाउड शिमर पार्टिकल नहीं दिख रहा होगा. लाइक आई लाइनर का शिमर पार्टिकल आपको दिख रहा है, बट इसके अंदर इस मोर लाइक अ प्रेस्ड शिमर जो काफी जेंटल फील हो रहे हैं. नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग जो मैंने बाली के भी सर्कल के से लिया था. सो थाईलैंड में जैसे 7-Eleven होते हैं, वैसे बाली में सर्कल के होता है, और वहां पर मुझे मिला था एंड आई लव्ड इट. मैंने इंडिया में आके पूरा इसको खत्म कर दिया था. मैंने स्टोरी भी डाली थी कि अगर कोई बाली जा रहा है तो प्लीज लेके आना. सो जब मैं थाईलैंड गई, मुझे एक पर्टिकुलर 7-Eleven में दिख गया था. सारे 7-Eleven में नहीं था, 2 या 3 7-Eleven में सिलेक्टिवली मुझे दिखा था. आई वाज लाइक आई हैव टू ग्रैब इट. नाउ द सैड पार्ट इज मैंने ये 2 लिए थे, बट एक मेरा माइसेलर वाटर ना जल्दी में जब हम पैकिंग रहे थे लास्ट में रह गया था बाहर होटल में, तो मैंने वो अपने वो वाले बैग में डाल दिया जो आप एयरपोर्ट पे कैरी करते हो, जो आपका केबिन बैग होता है ना. सो अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज वहां पर डस्टबिन में फेंकने के अलावा कोई चांस नहीं होता और रोना आता है. सो जब भी आप ट्रैवल करते हो, आई थिंक आप 50 ml से ऊपर या फिर 50 ml से ऊपर नहीं ले जा सकते अपने केबिन बैग में. सो इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी 125 ml
ml. अमन ने बोला भी कि हम इसका थोड़ा जितना भी ml है वो रिमूव कर देते हैं, एटलीस्ट 50 ml अलाउ कर दो, बट शी सेड नो, जो बॉटल है वो वाला कंसिडर करते हैं. सो मेरा एक माइसल वाटर जो मैं लेके आई थी वो मुझे सैडली वहां पे थ्रो करना पड़ा एयरपोर्ट पे. लिटरली आई वॉज सो सैड. मुझे अमन ने ही बोला यार क्या बेवकूफ वाली हरकत हमने करी थी, बिकॉज उस टाइम दिमाग में नहीं आया, जल्दी जल्दी सुबह की फ्लाइट थी तो पैकिंग में पता नहीं चला. बट चलो कोई नहीं, एक एटलीस्ट मेरे पास है. सो ये है माइसल वाटर गार्नियर का. दिस इज द गार्नियर माइसल क्लेंजिंग वाटर इन द वेरिएंट सैलिसिलिक BHA. अगर गार्नियर ये वीडियो देख रहा है, वैसे तो नहीं देखे ऑफ कोर्स, पर मैं गार्नियर को स्पेशली रीच आउट करूंगी इंस्टाग्राम पे, जैसे भी कर सकती हूँ, कि प्लीज लॉन्च दिस इन इंडिया. दिस इज सो सो गुड. बहुत अच्छा माइसल वाटर है. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना तो ये बहुत अच्छा है. इट हैज सैलिसिलिक एसिड, अच्छे से गंक भी निकालता है, मेकअप निकालता है, एक तरह से स्किन को एक्सफोलिएट भी कर देता है, तो दोनों काम हो जाते हैं. इसके बाद जब आप फेस वॉश करोगे तो स्किन भी लाइक प्रॉपर क्लेंस्ड. आई लव्ड इट. ये क्लेम भी करता है दिस इज फॉर डल एक्ने प्रोन स्किन. ये मेकअप रिमूव करता है, क्लेंस करता है, एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज है. दिस फॉर फेस, आईज एंड लिप्स. सो यार दिस इज वेरी वेरी नाइस. सो अगर आप थाईलैंड जा रहे हो या फिर बाली जा रहे हो या फिर कोई भी कहीं बाहर जा रहे हो, आपको डेफिनेटली वहां के फार्मेसी में या फिर ऐसे ब्यूटी स्टोर्स में दिख जाएगा. ग्रैब इट. सो समथिंग अगेन फॉर एक्ने प्रोन स्किन. मुझे जब भी ऐसे एक्ने स्किन के प्रोडक्ट्स देखते हैं और वो सस्ते होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, तो मैं हमेशा पिकअप करती हूँ. ये मैंने स्टार्टिंग में ही फुकेट के 7-11 से ले लिया था. दिस इज अ क्लीनेक्स एक्ने कम्फर्ट टिश्यू पेपर, एंड आई एम लिटरली क्लूलेस कि टिश्यू पेपर एक्ने के लिए कैसे बन सकता है. सो यार लेट्स सी. इसके अंदर टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बाकी सब कुछ थाई लैंग्वेज में लिखा है तो मैं समझ नहीं सकती. लिटरली एवरीथिंग एल्स इज रिटन इन थाई. सो यार लेट्स ट्राई इट आउट. इसमें ऊपर टिश्यू का बनाया हुआ, यार इन्होंने यहाँ पे एक दिया हुआ है. काफी अच्छे से निकल गया. सो दे हैव अ स्लिट ओवर हेयर एंड लेट्स ट्राई इट आउट कि एक्ने स्किन के लिए टिश्यू पेपर कैसे बनते हैं. मतलब ये तो काफी यूनिक चीज हो गई कि एक्ने स्किन के लिए टिश्यू पेपर बन रहे हैं. सो या ये फट रहा है, मैंने गलत तो ही निकाल दिया. आई थिंक आई पुल्ड आउट टू. या ओके, इसमें कोई खुशबू भी नहीं आ रही ऐसा स्ट्रीट ट्री के, ऐसा क्यों है इसमें. बट चलो लेट्स ट्राई इट आउट. यार तो नॉर्मल टिश्यू पेपर ही लग रहे हैं, इसमें एक्ने स्किन का ऐसा क्या है, आई डोंट नो. और इसमें कोई टी ट्री की खुशबू भी नहीं आ रही, क्या फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, आई डोंट नो. तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, दिस इज टी ट्री ऑल एक्सट्रैक्ट से टिश्यू पेपर बने हैं एंड दिस इज ओनली एट 7-11. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैन यू सी. सो यहाँ पे लिखा है ये 7-11 एक्सक्लूसिव है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये वहाँ के थाईलैंड के 7-11 पे मिलेगा. क्या ठीक है यार, नॉर्मल टिश्यू पेपर की तरह यूज कर लूंगी मैं, उसको अपने हैंड बैग में डाल सकती हूँ. तो मुझे सही में टिश्यू चाहिए यार, आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी. कोई मुझे नॉइसलेस एसी गिफ्ट कर दो यार, मॉनसून गर्मी. नेक्स्ट अभी आओ मस्कारा, बट इन अ सैम्पल फॉर्म. सो वहाँ के 7-11 में ना ऐसे सैम्पल प्रोडक्ट्स बहुत मिलते हैं आपको. वहाँ पर आपको सारे स्किन केयर के सैम्पल्स मिलेंगे, रेटिनॉल सीरम, विटामिन सी, बाहर के जितने भी ब्रांड्स हैं ना, थाईलैंड की जितनी भी अपनी खुद की लोकल ब्रांड्स हैं, उनके सारे आपको सीरम के सैम्पल्स मिलेंगे. सो मैंने वो तो सीरम्स नहीं लिए बिकॉज आई वॉज नॉट रियली श्योर ऑफ द क्वालिटी, बट मैंने मस्कारा जरूर पिकअप कर लिया. आई रियली लाइक्ड इट कि ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, कहीं ट्रैवल करना हो, बैग में डालना हो, तो ऐसे एक छोटा सा मस्कारा डालो. वैसे भी मस्कारा की लाइफ ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे सैम्पल ही लेने बेटर है. सो यार लेट्स ट्राई इट आउट. वैसे तो मेबलिन 2-3 ब्रांड्स और हैं जो ऐसे सैम्पल मस्कारा बनाती हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. लाइक लुक एट दिस, काफ़ी हेल्दी और अच्छी वॉन्ड है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ऐसे सैम्पल में से निकलेगी, बट यार लेट्स ट्राई इट आउट. डिफरेंस, यहाँ पे मैंने मस्कारा नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया है, और काफ़ी लाइट कोट लगाया है, बिल्कुल भी अभी हैवी कोट नहीं लगाया. आई थिंक इट वर्क्स, इट्स नाइस. पर हैवी नहीं है, क्लम्पी नहीं है. अगर आपको क्लम्पी वाले मस्कारा नहीं पसंद तो ये काफ़ी अच्छा है. दिस इज सम ब्रांड कॉल्ड INN ब्यूटी. लॉन्ग ब्लैक वेरियंट है इसका एंड दिस इज सुपर फाइबर लैश मस्कारा. सो या इट्स नाइस, नाइस, आई लाइक इट. अगर ट्रैवलिंग के लिए मुझे कहीं बैग में मस्कारा कोई रखना होगा, आई कैन डेफिनेटली कैरी इट. नेक्स्ट अप वी हैव परफ्यूम्स. मैंने थोड़े से और लिए थे, एक दो मैंने अपनी फ्रेंड्स फैमिली में दे दिए. ऐसे छोटे छोटे परफ्यूम आते हैं, विच आई रियली लाइक. सैम्पल के लिए भी अच्छे हैं और अपने बैग्स में कैरी करने के लिए भी अच्छे हैं. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आपको थाईलैंड के 7-11 में ऐसे वाले परफ्यूम्स काफी मिलेंगे. सो ये दो तो मैंने सेम लिया था, मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लग रही थी, इसका प्राइस डिसेंट था, तो मैंने दो ले लिए कि अगर एक अच्छा निकलेगा तो मैं एक किसी को गिफ्ट कर दूंगी. सो लेट्स ट्राई इट आउट. लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द साइज बिकॉज पैकेजिंग में तो ये काफी बड़ा लग रहा है. लाइक लुक एट दिस, मुझे लगा एटलीस्ट यहाँ नीचे तक तो होगा, बट नहीं, नीचे पूरी पैकेजिंग थी इनकी. काफी सॉलिड स्प्रे है. ओह नाइस,
या जैसे एम्बर रोज वुडी वाली फ्रेग्रेंस होती है ना, या इट्स क्वाइट जेंटल एंड नाइस. अनदर वन जो अगेन मैं नहीं खोल रही, दिस इज सम एसेंस परफ्यूम, ये भी वुमेन का है, ये कुछ इस तरह से दिखता है. सो ऐसे सैम्पल परफ्यूम काफी अच्छे हैं. नेक्स्ट वी हैव समथिंग फॉर हेयर, ये है लाइफ फोर्ड पैरिस पावर एक्सट्रीम स्प्रे. दिस इज सैलॉन आर्टिस्ट, 72 आवर्स का ये होल्ड देता है. सो दिस इज मोर लाइक अ होल्ड स्प्रे. सो इसको तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकती, मैं जब प्रॉपरली कर्ल्स कराऊंगी, लाइक मैं घर में कर्ल्स कर लेती हूँ तो मैं इसको तब टेस्ट करूंगी, बिकॉज मेरे बाल ऐसे हैं जिसमें कर्ल्स स्टे ही नहीं करते, मतलब मैं कितना भी स्प्रे कर लूँ अच्छे अच्छे वो ऐसे खुल जाते हैं. सो मुझे एक अच्छा एक्सट्रीम होल्ड स्प्रे चाहिए होता है. सो यार लेट्स सी. और ये काफी अच्छा टाइनी है विच इज गुड, बिकॉज ज्यादा बड़े स्प्रे ले लो ना फिर वो पड़े रहते हैं एक्सपायर हो जाते हैं. मैं वंस इन अ ब्लू मून ही कर्ल्स करती हूँ, ज्यादा तो करती नहीं. सो यार ये तब काम आएगा. सो अभी तो मैं इसको ट्राई नहीं कर सकती, आई जस्ट वांट टू सी कि ज्यादा व्हाइट तो नहीं है, वो तो थोड़ा पता चल जाएगा. नाइस, द स्प्रे इज गुड और फ्रेग्रेंस ओवर पावरिंग नहीं है विच इज गुड, एंड मेरे बालों को ज्यादा इसने हार्ड नहीं किया. या इट्स नॉट दैट लोकल वाला स्प्रे जैसे बालों को हार्ड हार्ड कर देता है ना, इट्स नॉट दैट वन. सो लेट्स सी ये कर्ल्स को कैसा होल्ड करेगा. जब मैं फ्यूचर में कर्ल करूंगी आई विल डेफिनेटली ट्राई इट. आप उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ऐसे जो क्विक रिव्यूज होते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे करती हूँ. कैन फॉलो मी देयर, माई हैंडल इज kashika.chauhan. सो गो देयर एंड फॉलो मी, बिकॉज ऐसे रैंडम रिव्यूज आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट अप वी हैव अगेन पाउडर. आई एम नॉट रियली श्योर मैंने 7-Eleven से लिया है या फिर मॉल में एक ब्यूटी स्टोर से लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा. मैंने एक ही बैग में डाल दिया था ना तो मुझे याद नहीं, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज अ ब्रांड कॉल्ड श्री चंद, जो मुझे इंडियन ब्रांड क्यों लग रही है पता नहीं. परफेक्ट हेयर पाउडर. सो ये हेयर पाउडर है, ये मैंने काफी सैलून में देखा है. वो तो महंगे वाले हेयर पाउडर यूज करते हैं कि यहाँ पे ऐसे डाल दो ना तो ये जो एक्सेस ऑयल होता है, ग्रीसीनेस होती है, वो निकल जाती है. सो ये भी उसी तरह का हेयर पाउडर है. नेक्स्ट वी हैव समथिंग फ्रॉम पॉन्स. ये मैं ऑलरेडी पहले लेके आई थी बट इन अ डिफरेंट वेरियंट. मैंने उसकी व्हाइटी शॉर्ट्स भी बनाई थी जिसपे बहुत व्यूज आए थे. सो जब लास्ट टाइम मैं थाईलैंड गई थी मैं ये पॉन्स का ब्लरिंग फिल्टर पाउडर लेके आई थी. ये एक ट्रांसलूसेंट पाउडर है जो ऐसे बॉडी पाउडर जैसी पैकेजिंग में आता है. यू कैन जस्ट पोर इट इन hands and use it for face. अच्छा है, it's like a nice decent powder. बिल्कुल finely milled भी नहीं है लेकिन वो local powder से तो better ही है, compact से ही better है because काफी अच्छे skin में blend होता है. I have super oily skin तो मुझे face set करना ही होता है. और ये traveling के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कहीं travel कर रहे हो आप literally इसको ऐसे lock करके ले जा सकते हो and then you can travel. मैं इसको काफी बार अच्छे से neck बोला मैंने, मैं काफी बार brush से ना ऐसे neck area पे या फिर हल्का सा hands पे वैसे लगा लेती हूँ, बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन इससे कम होता है. सो इस बार मैं लेके आई हूँ उसका दूसरा वेरियंट. मुझे ये दिखा ड्यूअल एक्ने एंड ऑयल सोल्यूशन अल्ट्रा मैट फेशियल पाउडर. सो ये भी फेस का पाउडर है बट ये बना है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, तो मुझे काफी मस्त लगा. और ये इंडिया में महंगे हैं, ये इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, आपको अमेजोन पे मिलेंगे बट यू विल गेट इट अराउंड 300, 400, 500, जबकि थाईलैंड में ये मुझे आई थिंक 50 baht का मिला था विच इज अराउंड 150 और 180 समथिंग रुपीज, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल. तो आप ये वहां से ला सकते हो. सो या इसके अंदर टी ट्री ऑयल है, सीका है, इसकी भी बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे ये है. और ये जो इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बने हैं, तो जब मैं इससे अपना फेस सेट करूंगी तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स मेरी स्किन को ही मिलेंगे. नेक्स्ट अप वी हैव अ लिप बाम. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसको मैं नहीं खोल रही बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक लिप बाम खोल दिया और मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हैं. दिस इज के ए मैजिक लिप नेचुरल एक्टिव स्ट्रॉबेरी लिप बाम. ये कलर चेंजिंग लिप बाम है, मॉइस्चराइजर विद वाइटामिन ई एंड सनफ्लावर ऑयल. ओके, सो ऐसे ट्रांसपेरेंट ये लिप बाम है और ये कलर चेंज करता है. सो ये मैं तभी खोलूंगी जब मेरे एक्जिस्टिंग लिप बाम पूरे यूज हो जाएंगे. आई डोंट लाइक टू होल्ड स्टफ, कैसे 20-25 चीजें एक साथ खोल लो बिकॉज फिर सब कुछ एक साथ एक्सपायर हो जाता है. सो आई फील लाइक जब चीज खत्म होने को आए ना तब उसको खोलो, बिकॉज काफी प्रोडक्ट्स की ना एक्सपायरी डेट से नहीं होती, इट्स लाइक जिस दिन आप खोल देते हो. सो जब आप खोल दोगे 12 months से उसकी विद इन 12 months वो फिर एक्सपायर हो जाएगा. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि पहले जो रखा है वो यूज करूंगी एंड देन आई यूज इट अप. सो फ्यूचर में जब मैं इसको ट्राई करूंगी आई डेफिनेटली फिल्म अ वाइटी शॉट्स. नेक्स्ट अप आई पिक्ड अप द मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर. ये मैंने मॉल से लिया था, मॉल में पूरा ऐसे टब में ना बहुत सारे ऐसे कॉम्पैक्ट पड़े हुए थे जो ये हाफ रेट पे दे रहे थे, बिकॉज इसका जो एक्चुअल एमआरपी है वो ज्यादा है बट डिस्काउंट करके मुझे ये ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस पे पड़ रहा था. सो मेरा मन था ये लेके देखती हूँ कि इंडिया में जो मेकअप आता है जो बाहर मिलता है उसको कोई डिफरेंस है या नहीं है. तो मैंने पिकअप कर लिया. ये मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट है, यू कैन सी पूरा थाई लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दिस इज इन द शेड 128. मैं 128 का फिट मी शेड यूज करती हूँ. दिस इज मैट एंड पोलिस 16 आवर ऑयल कंट्रोल लूज पाउडर. सो पैकेजिंग से तो
मुझे सॉर्ट ऑफ इंडिया जैसे ही लग रहा है. इंडिया में भी आई थिंक जो फिटमी की पैकेजिंग आती है कुछ इस तरह से ही आती है. सो या आई रियली वॉन्ट कॉम्पैक्ट इन एवरी बैग ऑफ माइन. मैं बहुत ज़्यादा बैग स्विच करती हूँ. आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देखते होंगे, मैं वीकेंड पे भी कहीं जाती हूँ ना तो आई लाइक टू कैरी मैचिंग बैग. मैं एक बैग हमेशा इतना लंबा नहीं कैरी करती. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने हर बैग में ना बेसिक चीज़ रखूँ, लाइक एक टिश्यू पेपर रख दिया, एक कॉम्पैक्ट रख दिया, एक लिपस्टिक रख दी. ये तीन चीज़ें होंगी ना तो मुझे ज़्यादा बैग को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा. सो ऐसे कॉम्पैक्ट मैं हमेशा लेती रहती हूँ सो दैट आई कैन कीप इन ऑल माई बैग. सो या दिस आउट लुक्स लाइक. एंड इनका 128 मुझे आई डोंट नो थोड़ा अलग क्यों लग रहा है. हमारे यहाँ का 128 का शेड थोड़ा अलग है, इनका थोड़ा लाइटिश सा फील हो रहा है. मैंने इतना बोला ना मेरा गला बैठ गया. बट या इस साइड तो हमने वो दूसरा कॉम्पैक्ट यूज़ किया था, जरा इस साइड यूज़ करके देखते हैं. या स्लाइटली वॉर्मिश, थोड़ा सा वॉर्म अंडरटोन का है. लाइक इसको यूज़ करने में मेरी स्किन हल्की सी एक टैन टैन वाली लुक दे रही है. बट या इट्स लाइक इंडिया कॉम्पैक्ट ओनली, मतलब बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. तो ज़्यादा अगर आपको महंगा मिलता है ना बाहर तो मत लेना, बिकॉज ये चीज़ इंडिया में काफ़ी सस्ती मिलती है. मैंने तो 50% ऑफ पे रखा था तो इसलिए ले लिया. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज द ओनली स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैंने 7-Eleven से पिकअप किया था. अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे सीरम्स भी थे जो मैंने नहीं लिए, बिकॉज आई वॉज नॉट रियली श्योर कि ये सीरम्स मुझे सूट करेंगे या फिर नहीं करेंगे. बट क्या है, मुझे थायराइड में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी. सो मुझे लगा ये लेके देखते हैं, क्या पता मेरी टैनिंग इससे कम हो जाए. बट एज आई टोल्ड यू मैंने बैग पूरा पैकअप करके रखा हुआ था तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाई अभी. दिस इज अ वाइटनिंग क्ले मास्क विद अल्फा आर्बिटिन. नाउ मैं वाइटनिंग को प्रमोट नहीं करती, कुछ भी स्किन लाइटनिंग एंड ऑल को ज्यादा प्रमोट नहीं करती. बट द थिंग इज मेरे हाथ इतने ज्यादा थाईलैंड के टाइम टैन हो गए थे और अभी भी है, मतलब एक मंथ से ज्यादा हो चुका है. माई हैंड्स आर वेरी वेरी टैन. सो मुझे लगा यूज करके देखते हैं क्या पता मेरी टैनिंग इससे निकल जाए, बिकॉज इसमें अल्फा आर्बिटिन है. अल्फा आर्बिटिन बहुत अच्छा इंग्रीडियंट है. मैंने काफी बार आपको मिनिमलिस्ट का अल्फा आर्बिटिन सीरम भी रिकमेंड किया है, बिकॉज वो काफी अच्छे स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है. जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको लाइटन अप करता है. सो इट इज अ नेचुरल मॉइस्चराइजिंग इवन टोन मास्क. सो ये क्ले मास्क है जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है. यहाँ से खोलेंगे सो प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पेंस होगा, देन यू कैन जस्ट अप्लाई ऑन योर बॉडी. नेक्स्ट अप इज अ एक्ने क्रीम. सो थाईलैंड में जब हम फीफी डे टूर के लिए गए थे ना, आई डोंट नो मुझे फीफी आयन के डे टूर में क्या हुआ, मुझे पूरा यहाँ पे एक पैच में ना ऐसे छोटे छोटे दाने 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 हो गए थे. कोई इंसेक्ट बाइट था या फिर क्या था. सो उसी दिन रात को मुझे 7-Eleven पे दिखा, मैंने पिकअप कर लिया. ये है रिड्यूसेस एक्ने प्रॉब्लम, पोर क्लॉगिंग को कम करता है, फास्ट एक्टिंग है, ड्राइज अप एक्ने क्विकली विदाउट लीविंग एक्ने मार्क्स. तो ये बेसिकली एक्ने को जल्दी ड्राई होने में हेल्प करता है और कोई मार्क नहीं छोड़ के जाता. इट इज अल्कोहल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री, सिलिकॉन फ्री, कलरिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. इसके अंदर माइक्रोनाइज साइलसिलिक ट्रीटमेंट है. सो ये बेसिकली डर्मैट वाला प्रोडक्ट है जो वहाँ के मेडिकल वाले काउंटर में था. सो 7-Eleven पे आपको प्रॉपर एक मेडिसिन का काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको सारे ऐसे बाउंस मिलेंगे, पेन किलर, लाइक जितने भी मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलेंगे. सो मुझे वो वहाँ पे दिखा और ये काफी एक्सपेंसिव था. एंड इज लिटरली लाइक अ छोटू सी ट्यूब. कैन यू सी द साइज, इतनी सी ट्यूब मिली है ये, इतनी महंगी. बट मुझे उस टाइम चाहिए थी बिकॉज मुझे यहाँ पे लगाना था. सो मैंने उसी दिन रात को ये लगा लिया था एंड आई थिंक सुबह तक काफ़ी अच्छा डिफरेंस मुझे पता चला था. आई कैन सी अ विजिबल डिफरेंस इन माय एक्ने. वो ड्राई भी हो गए थे, थोड़े सबसाइड भी हो गए थे. ऑफकोर्स मैंने दो दिन रात को यूज़ किया फिर जाके रिजल्ट मिला है. बट या इट डेफिनेटली वर्क्स. अगर आप जाते हो ना तो आप ये लेके आ सकते हो. दो इंडिया में भी काफ़ी अच्छे एक्ने ट्रीटमेंट्स है, लाइक यू हैव अडैप्लीन, यू हैव एजिलिक एसिड. इंडिया में भी काफ़ी सारे साइलसिलिक एसिड की ट्यूब आती है. सेबो जेल मैंने आपको रिकमेंड किया, जो एक साइलसिलिक एसिड का जेल है वो भी इक्विवेलेंट वैसे ही वर्क करता है. बट जस्ट दैट उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने खरीदा था एंड इट काइंड ऑफ वर्क वेल. फाइनली कमिंग टू द लास्ट टू स्टफ जो मैंने 7-Eleven से नहीं लिए, ये मैंने मॉल से लिया है. ये भी कॉस लक्स की लैशेस हैं जो मुझे काफी अच्छे रेट पे मिल रही थी. दीज आर विंकी आई लैशेस, अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड कॉस लक्स. इसके साथ अपनी ग्लू भी आती है विच इज गुड. और मुझे लैशेस काफी अच्छी लगी, लाइक ब्राइडल या फिर कुछ हैवी पार्टी मेकअप मुझे लुक करना हो ना तो उसमें डेफिनेटली यूज कर सकती हूँ. सो या आई डेफिनेटली ट्राई एंड लेट यू नो. उसके बाद हम रैंडमली कोसामुई में हमें एक स्टोर मिला विच इज मोर लाइक अ होलसेल स्टोर. तो 7-Eleven पे एक एक ड्रिंक अगर लाइक 5-10 भात की थी तो वो होलसेल वाले स्टोर में 7-8 भात की थी. लाइक 2 या 3 भात का डिफरेंस था बिकॉज वहाँ पे आपको होलसेल में चीज़ें लेनी होती है. बट उनका अंदर एक सेक्शन था जहाँ पे ऐसे क्यूटी क्यूटी सामान भी मिल रहे थे तो मुझे ये काफ़ी सस्ते में मिला. लाइक दिस वॉज फॉर ओनली रुपीज़ हाउ मच, मैं सबके प्राइस भूल गई यार. आई एम वेरी बैड विद प्राइसिंग. आई जस्ट ट्राई टू मेंशन द प्राइस ओवर हियर. लाइक मुझे इंडियन करेंसी में शायद ये 50 रुपये का पड़ा होगा. आई रिमेंबर सेइंग टू अमन की तो 50 रुपये का पड़ रहा है. सो ये साइड ले ले, अच्छा लग रहा है. सो दिस इज हाउ द डब्बी लुक्स लाइक. एंड दिस इज एक्चुअली अ लेंस केस विच इज क्वाइट कूल. इंडिया में भी ऐसे लेंस केस आते हैं लेकिन इतने अफोर्डेबल नहीं आते, तो मैंने ले लिया था. सो ये एक एप्लीकेटर आता है, इसके थ्रू आप यहाँ पे लेंस लगा सकते हो एंड देन यू हैव समथिंग टू पिक अप. यहाँ से आप पिक कर सकते हो लेंस और इसके थ्रू आप यहाँ पे लेंस लगा सकते हो. देन ये छोटा सा प्लकर टाइप भी है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्लकर, ये भी लेंस उठाने के लिए होता है. सो ये ज़्यादा आगे से पॉइंटेड नहीं है, दिस इज जस्ट टू पिक अप द लेंस. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द लेंस की डब्बी
छोटी सी यहाँ पे लेंस की डब्बी है जिसमें आप लेंसेज रख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट भी लिखा हुआ है। ऑनेस्टली मुझे अगर लेंस भी इसमें नहीं रखने होंगे ना तो मैं इसमें अपने छोटे आइटम्स रख सकती हूँ, लाइक माय डेंटी चेन्स या फिर कुछ गोल्ड का छोटा आइटम रखना हो। तो मुझे ये डब्बी काफी क्यूट लगी तो मैंने इसे सस्ते के चक्कर में ले ली थी, अदरवाइज मैं इतना ज्यादा ऐसे लेंस केसेस एंड ऑल नहीं प्रेफर करती। दिस माय बैग इज एम्प्टी, आई जस्ट हैव अ डक ओवर हेयर जो मैंने चिल्लर से ली थी वहां के एयरपोर्ट से। सपोज हम हुई कि एयरपोर्ट से हम वापस इंडिया आए थे, सो वहां पर मेरे पास बहुत सारे चिल्लर पड़े थे लाइक 5 रुपीज भात, 10 भात, 20 भात। सो मुझे वो स्पेंड करने थे बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में आके तो उसकी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने एयरपोर्ट से डक ले ली थी, ये मुझे 30 or 40 भात समथिंग की पड़ी थी। मैंने सारे चेंज इकट्ठे कर करके ली थी, विच इज लाइक अ कीचेन वाली डक। एंड या विद दिस द हॉल एंड ट्राई ऑन इज ओवर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे बिल भी मिल गया 7-Eleven का, इसके अंदर ही है, बट वो थाई लैंग्वेज में है। अगर पॉसिबल हुआ मैं सबके प्राइजेस साथ साथ ही मैंशन कर दूंगी। सो या आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनिंग यू कैन से। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो आप डेफिनेटली वाली चीजें पिकअप कर सकते हो। इसके अलावा मैंने पहले भी बहुत सारे शॉर्ट्स फॉर्म में प्रोडक्ट रिव्यू करे हुए हैं। मैं जब लास्ट टाइम थाईलैंड गई थी मैंने 5-6 प्रोडक्ट्स और पिकअप किए थे, उसके मैंने शॉर्ट्स बनाई थी। सो आप मेरी वाईटी शॉर्ट्स भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू फाइंड इट एंटरटेनिंग, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर, एंड लेट मी नो आपको कौन सी तरह की और वीडियोज देखनी है। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।